हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायकेदार व्यंजन। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता, जिसके लिए हमें वाइट सॉस की प्रिपरेशन करनी होगी। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बॉइल्ड पास्ता, कुछ वेजीज जिसमें मैंने अनियन, टमाटो एंड कैप्सिकम लिया है, मैदा, मिल्क, ऑरिगेनो एंड चीज स्लाइस। तो सबसे पहले हम पैन में ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। मैं कैप्सिकम, अनियन एंड टमाटोज यूज कर रही हूँ। वेजीज आप अपनी चॉइस की कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें कॉर्न ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटोज। इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ओवर कुक सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है पास्ता में। तो इसीलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर 4 to 5 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे इसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। हमारी ये जो वेजीज हैं ये अब कुक हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम व्हाइट सॉस की प्रिपरेशन करेंगे। पैन में ऐड करेंगे ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। आप इसमें ऑयल के साथ बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। जैसे ही कुक हो जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क, और मिल्क हमें एक साथ सब ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे करके हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहना है। इस तरीके से हम मिल्क ऐड करते जाएंगे एंड ये 3 से 4 मिनट में थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीज स्लाइस। इसे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है व्हाइट सॉस में। आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है। व्हाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने वेजेस पहले प्रिपेयर की थी। मिक्स कर लेंगे इसे एंड अब हमने जो पास्ता कुक करके रखा है वो ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट्स में पास्ता बॉईल करने की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। एंड यस, व्हाइट सॉस पास्ता बनकर रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।